हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बात करेंगे कि बुखार में हम लोगों को ठंड क्यों लगता है और बुखार के साइड इफेक्ट्स क्या है। बुखार एक्चुअली फीवर, दैट इज़ पायरेक्सिया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, थर्मामीटर से हम लोग मेज़र करते हैं। इट अकर्स इन सपोर्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के ही सपोर्ट में ये फीवर होता है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, एक इम्यून सिस्टम हम लोग का काम करता है उस डिज़ीज़ को रोकने के लिए। अब इसमें होता क्या है, जैसे टेम्परेचर हाइयर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, जो सेट पॉइंट टेम्परेचर है बॉडी का, वो जब चेंज होता है प्लस माइनस 1 डिग्री चल जाएगा उस डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा होगा तो वो फीवर काउंट होगा और वो इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स में होगा। ये क्या है इसको देख लेते हैं। द इंक्रीज इन सेट पॉइंट ट्रिगर्स इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन विच कॉजेज अ फीलिंग ऑफ कोल्ड। इसमें क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के तहत हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर हीट प्रोडक्शन एंड एफर्ट्स टू कंजर्व हीट। हीट को कंजर्व करने के लिए बॉडी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। नेक्स्ट, जब बुखार ठीक होता है तो क्या होता है, पसीना होता है और गर्मी लगती है। वो क्या है, व्हेन टेम्परेचर सेट पॉइंट बिकम्स नॉर्मल अ पर्सन फील्स हॉट एंड स्वेटिंग अकर्स। तो ये होता है आपका वेसो डायलेशन। तो दो प्रोसेस होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन। कॉज हमने बता दिया, बैक्टीरिया, वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है फीवर के द्वारा। पैथोलॉजी क्या है फीवर का, इसको देख लें। इसमें है आपका टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस एज अ थर्मोस्टेट। हमारे सिर में जो होता है हाइपोथैलेमस होता है जो कि रेगुलेट करता है एज अ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का हमने ऑलरेडी पहले जिक्र किया है, आप देख लीजिएगा पहले की वीडियोस में। तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, पायरोजन ट्रिगर फीवर। जब भी कोई कीटाणु अटैक करता है तो हमारे बॉडी के जो पायरोजन है वो इन्फॉर्मेशन देता है हाइपोथैलेमस को। कैसे इन्फॉर्मेशन देता है, ये इट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, PGE2 को रिलीज करता है और इससे उसको रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिसेप्टर ऑफ PGE2 जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, चार रिसेप्टर है, EP1 से लेके EP4 तक, लेकिन जो फीवर कॉजिंग है वही EP3 है। अब हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स फीवर के देख लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो हमारा ठंड लगता है, हम जानते हैं दैट इज़ चिल्स एंड शिवरिंग, ठंड लगना और कपकपी होना। नेक्स्ट हमारा जो है सिर दर्द होता है, हेडेक, फिर आपका मसल एचेस मांसपेशियों में दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण यानी कि वाटर लॉस हो जाता है, जनरल वीकनेस, कमजोरी और स्वेटिंग, पसीना आना, ये सारी चीज़ें हैं। मेडिसिन में ब्रूफेन होता है या फिर पैरासीटामोल लोग लेते हैं। तो इस तरह से फीवर को हमें जो होता है किसी बीमारी न मान, कोई बीमारी न मान के इसे हमें अपने इम्यून रिस्पॉन्स का एक सपोर्टिव सिस्टम मान के चलना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ समय के लिए। तुरंत जो है दवा लेके उसका टेम्परेचर डाउन नहीं करना चाहिए। थैंक यू।